नगर पालिक निगम के पूर्व महापौर और भिलाई नगर विधायक की पहल पर टाउनशिप के सिविक सेंटर की तस्वीर लगातार बदलती जा रही है। सिविक सेंटर के सौंदर्यीकरण में 1.5 लाख की लागत से पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य भी किया जा रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई के पूर्व महापौर देवेंद्र यादव ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में टाउनशिप के बदहाल हो चले सिविक सेंटर की तस्वीर बदलने के लिए एक प्रस्ताव बनाया था और अब वह प्रस्ताव अमल में आ चुका है और धीरे धीरे सिविक सेंटर की तस्वीर बदलती जा रही है। सबसे पहले सिविक सेंटर में बदहाल पार्किंग को सुव्यवस्थित करने पार्किंग व्यवस्था बनाई जा रही थी और अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 1.5 लाख रुपयों की लागत से पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। नगर पालिक निगम द्वारा किए जा रहे इस कार्य की जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा ने दी। देखिए, माननीय विधायक महोदय और महापौर महोदय ने कार्य का निरीक्षण सिविक सेंटर पहुंचकर किया था और सिविक सेंटर में जो पार्किंग व्यवस्था है और जो सुव्यवस्थित करने का काम, जो सौंदर्यीकरण का काम है वो किया जा रहा है, जिसके तहत में पेवर ब्लॉक भी लगाया जा रहा है। लगभग 1.5 करोड़ की लागत से पेवर ब्लॉक लगाने का काम जो है वो प्रारंभ किया गया है माननीय महापौर जी ने और MIC सदस्यों ने और सभापति जी ने जो है उसको निरीक्षण कर कार्य का जायजा भी इस दौरान लिया था और अच्छा गुणवत्तापूर्ण काम करने के निर्देश जो है महापौर जी ने अधिकारियों को भी दिए थे। तो सिविक सेंटर को डेवलपमेंट करने का कार्य जो है वो चल रहा है, जो सेंटर ऑफ इंस्ट्रक्शन पूरे भिलाई का है और इसके तहत में जो भी विकास कार्य, उसके लिए मास्टर प्लान बनाने के भी जो निर्देश हैं वो माननीय महापौर जी ने दिए थे। तो उसके तहत में जो है वो काम चल रहा है। मास्टर प्लान के आधार पर जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा वो उसके आधार पर जो है वो काम होगा। दोस्तों, जैसा कि भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की पहल से ये सिविक सेंटर का जीर्णोद्धार होता नज़र आ रहा है। हमने इसके पहले भी दिखाया था कि यहाँ की जो पार्किंग है, पार्किंग की व्यवस्था भी काफ़ी सुदृढ़ की जा रही है और इसी कड़ी में इस सिविक सेंटर को यहाँ आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो और इसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए मेरे पीछे देख सक रहे हैं कि पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य चल रहा है। इसके पहले यहाँ धूल मिट्टी डस्ट वगैरह का ज़्यादा उड़ता हुआ देखा जाता था, ज़्यादा समस्या देखी जाती थी, लेकिन अब ये पेवर ब्लॉक लग जाने से इसकी खूबसूरती में और 4 चांद लग जाएंगे। फिलहाल कार्य प्रारंभ हुआ है, देखना होगा कि ये कार्य कब तक समाप्त होता है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए मैं हूँ संतोष शर्मा।